विश्व कप जीतने के बाद कोच गैरी कर्स्टन को टीम ने कंधों पर उठा लिया। फाइल फोटो और नई दिल्ली। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही खास है। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं। दरअसल 7 साल पहले ठीक आज के ही दिन मतलब 2 अप्रैल को टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार 50-50 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर विश्व कप अपनी झोली में डाला था और टीम इंडिया की जीत के बाद करोड़ों हिंदुस्तानी जीत के जश्न में डूब गए थे। चलिए हम खिताबी जीत के उन 5 सबसे बड़ी बातों के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत को चैंपियन बना दिया। धोनी गंभीर की साझेदारी। टीम इंडिया ने 275 के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती 2 विकेट जल्द ही गिरा दिए थे। सचिन 18 रन बनाकर चलते बने और जब स्कोर 2 विकेट पर 20 रन हो गया तो पूरा देश चिंतित हो गया। ऐसे में गंभीर ने कोहली के साथ 3rd विकेट के लिए 84 रन जोड़े। ऐसे में धोनी अप्रत्याशित रूप से नंबर 5 पर खेलने उतरे और उन्होंने गौतम गंभीर 97 के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 114 रन जोड़कर टीम इंडिया की जीत की आधारशिला रख दी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप अचीव स्ट्रॉन्ग 12 pick.twitter.com/5yapick42crvcjmedia@rvcj_fb April 1, 20182। क्वार्टर फाइनल में युवराज रैना की पार्टनरशिप अहमदाबाद में। इस मुकाबले में भारत 260 रन का पीछा कर रहा था। रिकी पोंटिंग ने 30वां शतक जड़ा था। एक समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 187 रन हो गया। भारत को अभी भी 76 गेंदों पर 73 रन की दरकार थी। सुरेश रैना नंबर 7 पर टूर्नामेंट का पहला मैच खेलने उतरे। उन्होंने युवराज सिंह को शानदार सहयोग दिया। धीरे धीरे इन दोनों ने मैच पर पकड़ बना ली। इन दोनों ने 6th विकेट के लिए नाबाद 74 रन जोड़कर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। 2 अप्रैल 2011 स्पेशल डे एट वानखेड़े स्टेडियम। इंडिया लिफ्ट्स द क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। हरभजन सिंह के वे अहम विकेट। पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत से लोगों ने सोचा कि भारत ने 10-15 रन कम बनाए। भारत को 260 रन का बचाव करना था। पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की लेकिन जब अनुभवी यूनुस खान आउट हो गए और उसका स्कोर 4 पर 103 हो गया तो पाक की समस्याएं बढ़ गईं। ऐसे में उमर गुल बैटिंग करने उतरे और उन्होंने करारे शॉट खेलने शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि वह भारत से मैच छीनने जा रहे हैं। ऐसे में ड्रिंक्स के बाद धोनी ने हरभजन को गेंद थमाई तो उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया और उमर की बत्ती गुल करते हुए भारत की जीत की रोशनी को और रोशन कर दिया। इसके बाद भज्जी ने शाहिद आफरीदी को भी चलता करा और भारत ने पाकिस्तान को 29 रन से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इफ यू फॉल गेट बैक अप एंड कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन क्रिकेट हिस्ट्री। गॉट टीयर्स इन आईज आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। प्राउड ऑफ यू टीम इंडिया। pick.twitter.com/j2o41 सचिन तेंदुलकर पाउंड सर्वाधिक। कॉपीराइट @ sachin_rt_20184। जहीर खान के 2 यादगार स्पेल। भारत इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 337 रन बनाने के बावजूद हारता दिखाई पड़ रहा था। जब बैटिंग पावर प्ले लिया गया तो इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 280 रन था। धोनी ने ऐसे में जहीर को गेंद थमाई और जहीर ने लगातार 2 गेंदों पर विकेट चटकाकर भारत की मैच में वापसी करा दी। भारत नियमित अंतराल पर विकेट चटकाता रहा लेकिन इंग्लैंड के पूछल्लों ने इस मैच को रोमांचक टाई में तब्दील कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से जहीर खान ने अहम भूमिका निभाई और भारत को हार से बचा लिया। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में जब भारत को बेहतरीन शुरुआत की दरकार थी तो ऐसे में जहीर ने शुरुआती 3 ओवरों में 1 भी रन खर्च नहीं किया। वहीं 4th ओवर में जहीर ने उपल थरंग का अहम विकेट भी चटकाया। Who can forget the childlike smile that Tendulkar had after he came out of the dressing room after India had won the World Cup? pick.twitter.com/zarjninq sachinist.com @sachinist April 2, 20185। सचिन तेंदुलकर के 2 शतक वास्तव में साल 2011 के विश्व कप की विजयी गाथा। सचिन तेंदुलकर के 2 शतकों के बिना पूरी नहीं हो सकती। सचिन ने पहले बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 120 रन की पारी खेली। यह सचिन का विश्व कप में 5वां शतक था जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद सचिन ने 2रा शतक नागपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन का 99वां शतक था। वीडियो BCCI की क्लीन चिट मोहम्मद शमी के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। वास्तव में पर बताए वो 5 बातें हैं जिनके बारे में जब जब करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उम्मीद है कि अब विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर से भारतीय प्रशंसकों को कुछ ऐसा ही गौरव प्रदान करेगी। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।